स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की। तो ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रोस। तो ये एग्रोस क्या है? एग्रोस एक तरह का एक बेसिक यूनिट है जो कि रेड मेराइन एल्गे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एक्सट्रैक्ट हुआ है। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि पॉलीसेक्राइड है। इसके बाहर की ओर जैसा कि हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो एग्रीगेशन करके सुपर फाइबर्स और ब्रांचिंग ऑफ कर देता है, जिससे कि एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दो तरह के एग्रोस प्रेजेंट होते हैं, एक तो हम स्टैंडर्ड एग्रोस कहते हैं एंड द अदर वन इज नोन एज द न्यू सीव लो मेल्टिंग एग्रोस। जो स्टैंडर्ड एग्रोस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 90-95 रहता है और वह एक जेल की फॉर्मेशन करता है 35-38 डिग्री सेंटीग्रेड में। हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये ओपेक हो जाएगा। और जो लो मेल्टिंग एग्रोस है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आइसोलेशन करने के लिए, डीएनए फ्रैगमेंट्स को यूज़ करने के लिए। इन दोनों का अगर इंटरमीडिएट फॉर्म है, कॉम्बिनेशन है ऑफ एली एंड एनयूसी, यू कैन प्रोवाइड स्टर्डी ट्रांसलूसेंट जेल जो कि हायर एग्रोस कॉन्सेंट्रेशन में हेल्पफुल रहेंगे। नाउ बेसिकली जो चीज़ हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, जो हमारा सैम्पल है स्टेनिंग के लिए, जो जैसे कि हम डीएनए को करेंगे, तो इसके लिए हम फ्लोरोसेंट डाई को यूज़ करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड, जो कि एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट है। और ये क्या करेगा? इंटरकैलेशन करेगा। किसके बीच में? बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बीच में इंटरकैलेशन डाई है ये, जिससे कि कन्वीनियंट डिटेक्शन हो जाएगा डीएनए फ्रेगमेंट्स का जेल में। इस तरह से ये अपने आप को इथीडियम ब्रोमाइड अपने आप को इंसर्ट कर लेता है बेस पेयर्स में जो कि डबल हेलिक्स में होते हैं डीएनए में। स्टेनिंग ऑफ डीएनए, जैसे कि यूवी अब्सॉर्बेंस मैक्सिमम होता है 300 से 350 नैनोमीटर्स के बीच में और इमिशन मैक्सिमा होता है 590 नैनोमीटर्स में। तो जिस तरह से डिटेक्शन जो लिमिट होती है बाउंड डीएनए की, वो 5 ng पर बैंड तक रहेगी। इथीडियम ब्रोमाइड एक म्यूटोजेनिक है, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। इसीलिए हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हैं इथीडियम ब्रोमाइड के, जैसे कि मिथिलीन ब्लू है, साइबर सेफ है, ज़ाइलीन साइनोल है या ब्रोमोफिनोल ब्लू है। नाउ व्हाट बेसिकली इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स का, जिनको कि हम पहले डाइजेशन करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जैसे कि उसका सेपरेशन होगा ऑन बेसिस ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट साइज, व्हाट बेसिकली इज द चार्ज और द शेप। और उसी तरह से, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इनका मूवमेंट होगा। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो रिजॉल्व करेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को। लगभग 500 से लेकर 30,000 बेस पेयर्स तक के फ्रेगमेंट्स इससे हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो व्हाट बेसिकली इज द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस? आपको पता है कि ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो फ्रेगमेंट होते हैं उनका रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ऑल डीएनए जो होते हैं उनका लगभग आइडेंटिकल चार्ज टू मास रेशियो होता है, एक नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट पर न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे जैसे डीएनए फ्रेगमेंट इंक्रीज करता है लेंथ में, चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है, जिससे कि प्रिजर्वेशन रहता है चार्ज टू मास रेशियो का। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, नेगेटिवली चार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो सारी लेंथ्स के होते हैं विल माइग्रेट टूवर्ड्स विच साइड? टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल एट एन इक्वल रेट। जो फोर्सिंग जो डीएनए है वो ट्रैवल करेगा पोरस मैट्रिक्स में, जो कि अलाउ करेगा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जो छोटे साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे दे विल रन फास्टर इन कंपेरिजन टू द रेट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। नाउ अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्योरी को एक समराइज फॉर्म में देखें, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं वो माइग्रेट करेंगे किसकी ओर? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो एक एनोड है। इसी तरह से एग्रोस जेल मैट्रिक्स जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को डीएनए के, जिससे कि सेपरेशन हो जाएगा फ्रेगमेंट्स का अकॉर्डिंग टू द साइज। दिस इज हाउ दिस टेबल, ये जो टेबल है ये हमें ये प्रदर्शित करता है कि एक तरफ तो हम परसेंटेज ले रहे हैं एग्रोस जेल की, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीएनए साइज रेजोल्यूशन कितना हो जाता है। नेक्स्ट इज द रनिंग बफर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो रनिंग बफर अडॉप्ट करते हैं वो होता है TAE, ट्रिस एसिटेट रनिंग बफर, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करता है एंजाइम एक्टिविटी के साथ में। तो जो रनिंग बफर होता है वो मिटिगेशन करता है पीएच चेंजेस के, जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब वाटर का हाइड्रोलिसिस होगा तो
H2O will break into protons and hydroxide ions, और फिर कैथोड में जनरेशन होगा H2 का, और एनोड में जनरेशन होगा वाटर का और इलेक्ट्रॉन्स का और ऑक्सीजन का. दिस इज डिपिक्टिंग द हार्डवेयर जो इसमें हम एम्प्लॉय करते हैं. जैसा कि हम देख सकते हैं कि पावर सप्लाई होगी, जेल का एक टैंक होगा, और कास्टिंग ट्रेज होंगी, हमारे इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगे, और जेल के कॉम्स होंगे. तो बेसिकली कॉम क्या होता है? कॉम एक बिल्कुल कंघी की तरह होता है जिसमें हम प्लेस करते हैं जो हमने एग्रोज को लिया है, लिक्विड एग्रोज को लिया है. जैसे ही हम उस कंघी को वहाँ से हटा देंगे तो एग्रोज क्या करेगा, हार्ड हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएंगे, खूब सारे गड्ढे बन जाएंगे. उन गड्ढों को हम वेल्स कहेंगे जिनमें हम लोडिंग करेंगे डीएनए की. तो डीएनए लेडर क्या होता है? एक सॉल्यूशन है डीएनए मॉलिक्यूल्स का जिनकी अलग अलग लंबाई है. इनमें हमारे नॉन डीएनए साइजेस होते हैं जिनको हम डिटरमाइन करते हैं अननोन डीएनए सैंपल से. डीएनए लेडर यूजुअली इज हैविंग रेगुलरली स्पेस साइज सैंपल्स जो कि रन ऑन होते हैं एग्रोज जेल में. तो इसलिए वो क्योंकि एक सीडी की तरह लगते हैं इसलिए हम उसको डीएनए लैडर कहते हैं. अब जो लोडिंग बफर होता है, तो डीएनए जो है उसको हम मिक्स करेंगे 6x लोडिंग बफर से. पहले जब हम उनको जेल वेल्स में डालेंगे तो उसको हम स्टॉक करेंगे, हम उसको रेफ्रिजरेशन करेंगे, फिर हम एग्रोज जेल को बनाएंगे. उसकी एक विधि होगी कि हम किस प्रकार से एग्रोज जेल को हम फॉर्मेशन करेंगे. टू मेक ए 1% एग्रोज जेल वी हैव टू मास आउट 0.5 ग्राम ऑफ एग्रोज एंड वी हैव टू ऐड 50 ml ऑफ TAE रनिंग बफर इन स्मॉल एरिनमायर फ्लास्क. वी हैव टू माइक्रोवेव इट, वी हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज द एवोपरेशन. हमें स्विरलिंग करनी है, हमें हिलाना है उसको ताकि हम इंश्योर कर पाएँ कि जो एग्रोज है वो मेल्ट हो गया है, वो कूल हो गया है. उसके बाद में हम इथिलीन ब्रोमाइड को उसकी बाइंडिंग देख सकते हैं. और इस तरह से वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन डीलिंग विद इथिलीन ब्रोमाइड. जब हम एग्रोज जेल हमने बना लिया, उसको सेटल डाउन करने के लिए हम उसको टॉप ऑफ द कास्टिंग ट्रे से हम उसको डालते हैं. हमें देखना पड़ता है कि ट्रे का लेवल है वो बराबर है. हम उसको पोर करेंगे ताकि बबल्स का फॉर्मेशन अवॉइड कर सकें. हम उसको कूल करेंगे 20 से 30 मिनट के लिए, और कूल जेल को हम एक ट्रांसलूसेंट जेल में उसका अपेयरेंस होगा. सेटिंग अप द जेल रिंग, इस तरह से हम जेल रिग को सेटअप करते हैं. डीएनए का सैंपल्स का प्रिपरेशन, जो हम 2 to 5 माइक्रोलीटर्स जो हम ले रहे हैं लोडिंग बफर में, जिसमें कि सब में डीएनए सैंपल है, तो उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स को डाल देते हैं. उसके बाद में हम ईच डीएनए सैंपल में से पिपेट करेंगे 10 टू 15 माइक्रोलीटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल, जिनको हम डॉट्स के रूप में लोड. तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डॉट्स के रूप में कैसे हम लोडिंग कर रहे हैं बफर की. उसके बाद में हम लोडिंग करते हैं जेल की. जो पहला जो वेल है उसमें हम लोड करते हैं डीएनए लेडर, विच इज़ स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड सॉल्यूशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट लैब. जो डीएनए जो लेडर है उसमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं नॉन साइजेस के. इससे हम क्या चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं? अननोन डीएनए फ्रेगमेंट्स को. फिर हम इस जेल को रन करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे उसको पावर सप्लाई से, रन करेंगे पर्टिकुलर एक वोल्टेज में, और इस तरह से हम ट्रैक भी कर सकते हैं उसको डाई से. विजुलाइजेशन या स्टेनिंग जो है हम उसको देख सकते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से. तो फ्लोरोसेंट कलर, येलो कलर से हमें बेटर इमेजेस हम उसके यहाँ पे देख सकते हैं. तो बेसिकली इन ए नटशेल, व्हाट इज़ बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ दिस एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस? पहले तो हमें एग्रोज जेल को बनाना है, फिर हमें उसको कहाँ पे पोर करना है, ट्रे में जिसमें कि कॉम है. उसके बाद में हमें रनिंग बफर को डालना है, लोड करना है हमारा सैंपल और मार्कर, फिर रनिंग जेल एक कांस्टेंट वोल्टेज में यूज़ होगा और बैंड सेपरेशन होगा, फिर हम विजुलाइज करते हैं डीएनए को एक यूवी लाइट सोर्स में. इस तरह से क्योंकि डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज है तो किस तरह मूव करेगा? पॉजिटिवली चार्ज में. तो एग्रो जेल जो है वो क्या करेगा? धीरे धीरे मूवमेंट को स्लो डाउन करेगा. तो हमें अलग अलग साइजेस के डीएनए फ्रेगमेंट्स हम उससे आइसोलेशन कर सकते हैं. जो स्मॉल डीएनए होंगे दे विल मूव वेरी फास्ट इन कंपैरिजन. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि स्मॉलर दे आर वेरी मूविंग वेरी अहेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड इन कंपैरिजन टू द लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट. दिस इज हाउ अ मूवमेंट और द माइग्रेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज अकरिंग विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉग 10 ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट. तो आज हमने इस तरह से एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक
के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से प्रोसेस होता है, और थैंक यू फॉर दिस।